फाइट से पहले बोल रहा था कि भारत के लोगों को फाइट करना नहीं आता है। थैंक्स टू माय स्पॉन्सर्स जी। फाइट से पहले बोल रहा था कि भारत के लोगों को फाइट करना नहीं आता है। सो इट गॉट पर्सनल। नाउ यू टेल मी वी कैन फाइट ऑन। बिहार के भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए केज की तरफ बढ़ रहे हैं शामाना। This is a scary man walking out to the cage right now. His total and utter destruction of Rick Shamanan. This is a scary. His total and utter destruction of Richard in the last MFN. I have never seen someone's face so beat up post fight. बिल्कुल जॉन, इनकी परफॉर्मेंस MFN 10 में बिल्कुल जिसे कहते हैं एक नंबर थी, जहां पे इन्होंने रिचर्ड को नॉकआउट किया एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल नॉकआउट्स दैट आई हैव एवर सीन। सेम एंड सीइंग रिचर्ड, पुअर रिचर्ड द नेक्स्ट डे, ओ माय गॉश, लुक एट हिम। भारत की शान शामानंद। जॉन, क्योंकि आपने मिलानो की बात की तो मैं चाहता हूं मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताऊं श्याम आनंद और इनके कैंप के बारे में। श्याम आनंद हालांकि बिहार से हैं बट ये ट्रेन करते हैं बैंगलोर में ICSA में। ICSA मेरे अनुसार इंडिया का सबसे बढ़िया कैंप है। चलिए देखते हैं कीज टू विक्ट्री श्याम आनंद के लिए। बी एक्टिव विद द लीड हैंड, ह्यूज नॉकआउट पावर है इनके पास और यदि फाइट ग्राउंड पे जाए ही शुड स्क्रैम्बल आउट, निकल जाए वहां से। सो इनके साथ में जो इनको पानी पिला रहे हैं उनका नाम है कोच जितेश, जो कि टीम ICSA के हेड कोच हैं, और गैरी एंड जॉन, मेरा मानना है टीम ICSA इंडिया की बेस्ट फाइट टीम में से एक हैं और कोच जितेश बहुत ही अव्वल दर्जे के कोच हैं। जॉन गैरी आज यहां क्राउड और फैन फेवरेट हैं श्याम आनंद, और मुझे लग रहा है कि मीदो मोहम्मद एक अंडरडॉग है। Really?